नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को चौतरफा घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को साधने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिससे उसकी चारों तरफ जगहसाई हो रही है। बांग्लादेश में शीर्ष राजनयिक ने पाकिस्तान के निर्माण में बंगाली मुसलमानों के सहयोग की प्रशंसा की है, लेकिन वह भूल गए कि उसी पाकिस्तान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर क्या क्या जुल्म नहीं किए थे। यानी यह मदरसा मुल्क बांग्लादेश में फिर से अपनी मदरसा नीति उतारना चाहता है। इसे लगता है कि मीठी मीठी बातें करके और बांग्लादेश की पीठ पर घी लगाकर उसे बहलाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यह उसी मजहब को हथियार बना रहा है जिसकी बदौलत इसने भाषाई आधार पर पूर्वी पाकिस्तान में कहर बरपाया था। पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश शायद उस जख्म को भूल चुका है और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके उसे आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान एक मदरसे के धूर्त मुल्ला की तरह व्यवहार कर रहा है। चीन से उसे बड़ी जिम्मेदारी यही मिली है कि वह बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे इस्लामी मुल्कों से रिश्ते सुधारे। वह इसके लिए मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश में है ताकि इस्लाम का वास्ता देकर मुस्लिम देशों को भारत से अलग किया जा सके। पिछले एक महीने के दौरान इमरान खान ने बांग्लादेश, ईरान और मालदीव के साथ चाल चलने की कोशिशें की है। हालांकि चीन के आदेश पर बदली पाक की इस कूटनीति को भारी खामियाजे भी उठाना पड़ा है। उसके इस प्रयास में बहरीन, सऊदी और यूएई जैसे खास सहयोगी उससे छिटक गए। साथ ही इजराइल और यूएई के रिश्ते भी एक झटके में दोस्ताना हो गए। पर चीनी कर्ज के दबाव में पाकिस्तान की मजबूरी चीन के हुक्म की तामील करना है। वादा खिलाफी हुई तो चीन का डंडा पड़ना लाजमी है। बांग्लादेश से पींगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हर पैतरा इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों धुर विरोधी देशों को एक करने में चीन भी एडी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन की चाल पाकिस्तान और बांग्लादेश को घेरकर भारत को साधने की है। यही वजह है कि जिनपिंग का दबाव इमरान पर बढ़ रहा है कि बांग्लादेश को अधिक से अधिक मरहम लगाने की कोशिश करे। हालांकि इससे पाकिस्तान को सीधे सीधे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसकी मंशा यही है कि इस दांव से वह भारत को पटखनी दे सकता है ताकि वह यह मुनादी कर सके कि उसने दक्षिण एशिया में भारत को अलग थलग कर दिया है। पर यह इतना भी आसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान या चीन समझ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की कूटनीति छल प्रपंच से परिपूर्ण है, जबकि मोदी सरकार जिस कूटनीतिक दांव से मात देने के लिए मशहूर है उससे पार पाना इनके बूते की बात नहीं है। भारत कर्ज और चापलूसी के आधार पर देशों से रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि उनमें पारदर्शिता होने के साथ भविष्य के सपने भी समाहित होते हैं जिनमें दोनों ही देशों के विकास की संभावनाएं तय होती है। मोदी की कूटनीति में मजहब आधारित संबंध नहीं होते हैं। भारत की विदेश नीति भी इस आधार पर नहीं चलती है, इसलिए इसकी मजबूती का यही मूल मंत्र है। जबकि चीन कर्ज के प्रलोभन को बांटता है और पाकिस्तान इंसान अल्लाह कहकर तस्री पे भिड़ाता है। पाकिस्तान की हालत घासलेट में पड़े सोडियम जैसी हो चुकी है। उसे खुद ही भीख की बड़ी दरकार है, इसलिए बांग्लादेश और मालदीव से इंशाल्लाह बोलकर काम नहीं चलने वाला है। भारत ने मालदीव को 50 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है जिसमें 10 करोड़ डॉलर बिना ब्याज के तौर पर दिया गया है। पाकिस्तान का इंशाल्लाह इनका विकास नहीं कर सकता है। जहां तक बांग्लादेश की बात है तो उसकी आजादी से लेकर आज तक भारत ने सदैव उसकी मदद की है। पिछले दिनों ही बांग्लादेश को 10 रेलवे इंजन सौंपे हैं, जबकि पाकिस्तान की औकात किसी को एक रबड़ का टायर तक देने की नहीं है। खुद चीन भी किसी को बगैर सूद के एक डॉलर भी नहीं देता है। ऐसे में भारत को घेरने की कोशिशों में इन देशों के प्रयासों को पलीता लगने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। चीन ने नेपाल में पिछवाड़े तक जोर लगाया कि ओली भारत से रिश्ते खत्म कर दे, पर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की बहुत कोशिशों के बाद भी यह ख्वाब परवान नहीं चढ़ सके। कल खुद ओली बेबस होकर मोदी के कदमों में आन पड़े और 10 मिनट की टेलीफोन वार्ता में मोदी से रिश्ते बनाए रखने की गुजारिश करते रहे। पर इससे तगड़ा झटका तो नेपाल के लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया। कल भारी संख्या में लोगों ने काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेपाल के लोगों ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पीओके में बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ न केवल जुलूस निकाला बल्कि दुनिया के हिंदुओं को एक होने का आह्वान भी कर दिया। इसका मतलब यह है कि पाक की मदरसा पैदाइश के खिलाफ अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी आवाज बुलंद हो गई है। पाक पीएम इमरान के होश इसलिए भी उड़ गए हैं क्योंकि इस लोंडे ने 2 हफ्ते पहले ही पीएम ओली से गलबैया की कोशिश की थी। ऐसे में नेपाल में पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज उठना, वह भी पाकिस्तानी दूतावास के बाहर, इसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं। दरअसल नेपाल की पीठ पर सवार होकर इमरान लोंडा अपने मुल्ला चरित्र को उज्ज्वल करने की फिराक में था।
मदरसा प्लानिंग तो यही थी कि हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र में मतभेदों का फायदा उठाकर तशरीफ उठाने गिराने की गिनती बढ़ा दी जाए। पर इस मदरसा पैदाइश को इतनी अकल शायद नहीं है कि जिस देश को चाणक्य नीति विरासत में मिली हो वहां पाकिस्तान के मदरसों की मुल्ला नीति कारगर नहीं हो सकती है। पाक के मदरसों से आतंकी और धूर्त मुल्ला तो निकल सकते हैं पर पाकिस्तान संभालने वाले हरगिज नहीं। जो आज पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वह भी हीरा मंडी से निकलकर इस्लामाबाद की राजनीति की मंडी के बिकाऊ चीनी खिलौने बने हुए हैं। इसलिए इस मुल्ला मुल्क को भारत से हर मोर्चे पर मात मिलना तय है। अब अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि उसके इंशाअल्लाह कह देने मात्र से बांग्लादेश उससे तशरीफ भिड़ाने निकल पड़ेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आधुनिक दुनिया में देशों से संबंध स्वार्थ आधारित बनते हैं जिसमें एक दूसरे के फायदे समाहित होते हैं। पाकिस्तान के पास सिवाय इंशाअल्लाह और आतंकी फैक्ट्री के दूसरा कोई हुनर नहीं है जिससे बांग्लादेश को ललचाया जा सके। बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले काफी सक्षम मुल्क है। वह आर्थिक राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान से अव्वल है जबकि 1971 से पहले बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था मगर उसने कम वक्त में विकास की ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी है। जबकि पाकिस्तान की हालात आज भिखारी वाली हो चुकी है जिसकी जनता एल्यूमिनियम के कटोरे के भरोसे जीवन गुजार रही है। इस देश में निर्यात नाम की कोई वस्तु नहीं बची है और आयात के लिए इसे हर किसी से उधार चाहिए यानी नगद आयात करने की भी पाकिस्तान की औकात नहीं रही है। बेशर्म इतने हैं कि खुद इमरान खान भिखारी बनकर 18 देशों से भीख मांग चुका है। अब ऐसे में बांग्लादेश की तो छोड़िए जिम्बाब्वे भी इसे घास नहीं डालता है। हद तो तब हो जाती है जब अफगानिस्तान जैसा मुल्क इसकी हालत पर तरस खाकर 10 लाख डॉलर की मदद देता है और ये इंशाअल्लाह बोलकर बेशर्मी से ले भी लेता है। सार्क देशों द्वारा बनाए गए कोरोना इमरजेंसी फंड में पाकिस्तान 100 डॉलर तक देने की कुव्वत नहीं दिखा सका मगर जब बाकी देशों ने फंड जमा कर दिया तो इसने किसी बेशर्म मुल्ला की तरह मदद की गुहार लगा दी। यानी भीख मांगने और झूठन खाकर अफलातून बना घूम रहा पाकिस्तान इंशाअल्लाह से ना आगे बढ़ा है और न कभी ही आगे बढ़ पाएगा। इसका इतिहास भारत विरोध पर लिखा गया है। यही इतिहास पाकिस्तान को इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रहा है। खाड़ी देशों के अलग होने की वजह पाकिस्तान का भारत विरोधी है। चीन का गुलाम बनने के पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है जबकि मदरसा पैदाइश जो जलालत और भुखमरी झेल रही है उसकी वजह भी भारत विरोध है। पर बावजूद इसके भारत पहले से ज्यादा सशक्त होकर उभरा है और शायद आगे भी इसी तरह उभरता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान का भारत विरोध भारत के लिए खाद पानी का काम कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।